नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार सिंह, 4 टाइम झारखंड स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट एंड 1 टाइम DAV स्कूल नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, वो है सीन पेन। इसको टीबिया हड्डी बोलते हैं, टीबिया नाम है इस हड्डी का, सीन बोन भी लोग बोलते हैं। इस हड्डी में पेन आ जाना, ठीक है, खास करके इस पोर्शन में। तो इसको कैसे ठीक करें, इसका काउजेस क्या होता है और इसका प्रिक्वेशन क्या 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 आपको सावधानियां बरतना है जिससे आपका ये सीन पेन ना हो, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ सीन पेन के, अगर आज इसको फॉलो करते हैं जो मैं बताऊँगा, तो गारंटी देता हूँ आपका सीन पेन 4 से 5 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, ठीक है। और YouTube पे जितने भी सीन पेन के ऊपर पड़े हुए वीडियो है उनको सारे को एक तरफ कर देना और इसको एक तरफ करना, ये इसका पल रहा उस पर भार भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि होता क्या है। देखिए, मैंने एक पहले भी सीन पेन के ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें मैं अच्छे तरीके से समझा नहीं पाया था, इसलिए मैं दूसरा सा वीडियो बनाकर आपको समझा रहा हूँ। देखिए, इसमें हम आपको बात करते हैं पहला काउजेस क्या, लेकिन हमारा इसमें मेन फोकस रहेगा ट्रीटमेंट के ऊपर। अब जो हो गया तो हो गया, उसको ठीक कैसे करना, ठीक है। लेकिन हो गया वो कैसे हुआ अगर आपको फ्यूचर में ना हो, तो इसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला हम बात करते हैं आपका हुआ कैसे। तो पहला रीज़न आपका हो सकता है आप हार्ड सरफेस पे रनिंग किए हो, कंटिन्यू रोड पे दौड़ लिए हो, या फिर सीमेंट वगैरह एरिया या फिर टाइल्स वगैरह पे दौड़ लिए हो कहीं पे, ठीक है। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न होता है विदाउट आप वार्म अप नहीं किए हो, या फिर वार्म अप के बाद कूल डाउन और स्ट्रेचिंग नहीं करते हो, ठीक है। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है सीन पेन के ऊपर। सीन पेन क्या, मसल्स में जितनी भी दिक्कत या फिर रनिंग के बाद जितनी भी दिक्कत होती है, अगर आप वार्म अप कूल डाउन और स्ट्रेचिंग नहीं कीजिएगा तो ये आपका ज़्यादातर दिक्कत उसी से होता है, ठीक है। इन तीनों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हूँ, वार्म अप कूल डाउन और स्ट्रेचिंग के ऊपर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरा रीज़न होता है हमारा, वो होता है ओवर यूज़। मतलब कि आप 4-5 रेपटेशन 6 रेपटेशन लगाते थे, अचानक से आप लगा दिए 20 रेपटेशन 25 रेपटेशन, या फिर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दौड़ते थे, अचानक एक दिन 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर के आसपास दौड़ गए, या फिर अपना इंटेंसिटी को, अपना वर्कआउट का इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, ठीक है। तो इससे हो सकता है, ठीक है। तो 3 हो गया रीज़न। चौथा रीज़न होता है हमारे पास, आता है शूज़। देखिए, शूज़ सिलेक्शन रनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फ्लैट फुट वाला शूज़ खरीद लेते हैं, मतलब जिसमें आर्च नहीं बना रहता है, ठीक है, मतलब कि जैसे हमारा एड़ी जो होता है, जैसे देखिए ये, ठीक है, तो इसके सपोर्ट करने के लिए जिस शूज़ में आर्च नहीं बना रहता है, उस शूज़ को आप सीधा सपाट ले लेते हैं, तो उससे सीन पेन की समस्या हो सकती है। और दूसरा रीज़न होता है इसी शूज़ का, कि आपका जो शूज़ का जो कुशंस होता है, सोल होता है, वो घिस जाता है। तो अगर आप अच्छा शूज़ ले सकते हैं तो ज़रूर अच्छा शूज़ लीजिए। अगर आप शूज़ अच्छा नहीं ले सकते हैं तो 500-700 के आसपास स्पार्क सेगा वगैरह शूज़ मिलता है, उसमें अलग से एक मोटा कुशन लगवा लीजिए, ठीक है, मोची के द्वारा कुशंस लगवा सकते हैं। तो और यही 4 रीज़न था। और 5वां रीज़न हमारा है मोटापा। तो आप रनर्स हैं तो आपके पास मोटापा होगा नहीं, लेकिन अगर आपके पास मोटापा है तो पहले आप मोटापा कम कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। आपको बारीकी से समझना है जो मैं आप बताऊंगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स से मैं अभी बताने वाला हूँ, और जो मैं खुद आजमाता हूँ, मुझे भी सीन पेन होती है तो मैं यही करता हूँ, ठीक है। और जितने भी मेरे क्लाइंट हैं जो भी मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको यही उपाय बताता हूँ। और इन 4-5 टिप्स जो मैं आप बताने वाला हूँ ट्रीटमेंट को, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 3 से 4 दिन में आपका सीन पेन ज़रूर ठीक होगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। ये सारा टिप्स आपको फॉलो करना है और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। जो पहला हमारा ट्रीटमेंट का उपाय है वो है राइस। आर से हुआ रेस्ट, आई से हुआ आइसिंग, सी से हुआ कंप्रेस, कंप्रेस मतलब दबाव गर्म, और ई से हुआ हमारा एलिवरेशन, मतलब हार्ट लेवल के ऊपर से अपना, आपको जिस भी अंग में चोट लगा है उस अंग को हार्ट लेवल से ऊपर रखना है, ठीक है। अब इसको फॉलो किस तरह से करना है ये समझ लीजिए। तो पहला आया हमारा रेस्ट। रेस्ट करना आपको 2 से 3 दिन। जो लोग बहुत गलती करते हैं, मतलब थोड़ा सा पेन होता है तो वो सोचते हैं कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, और कंटिन्यू रनिंग करने लगते हैं, तो इससे उसका पेन बढ़ जाता है। पहला 2 से 3 दिन आपको करना है प्रॉपर रेस्ट, ठीक है। और उन दिनों जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो आपको करना है आइसिंग। आई से हुआ आइसिंग, आइसिंग मतलब बर्फ़ से आपको करना है सेकाओ। ये क्या करेगा, आपका जो ब्लड फ्लो होता है वहाँ पे डिक्रीज़ कर देगा, आपका स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगा, और आपका जो पेन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। और बर्फ से सेकाई आपको किस तरह से करना है, 20 से 25 मिनट तक करना है, दिन भर में 4 बार, सुबह किए 20 से 25, दोपहर में किए, शाम में किए, रात में किए, ठीक है। 3 से 4 बार कंटिन्यू 2 से 3 दिन तक आपको करना है, और डायरेक्ट आपको सेकाई नहीं करना है, इससे आपका स्किन बर्न हो सकता है, कपड़े में लपेट के करना है, ठीक है। आर हो गया, आई हो गया, सी से हुआ कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब कि आप गर्म पट्टी का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, मेरे पास गर्म पट्टी है, इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर आपके पास लॉन्ग सॉक्स है, या फिर सीन बैंडेज भी आता है,
ठीक है, वो उसका उपयोग कर सकते हैं। और जब भी आप गर्म पट्टी बांधिएगा तो आपके पास जो भी, मतलब ये मेरे पास मूव है, फास्ट रिलीफ है या फिर वॉलनी है, आप जो भी लगाकर पहले उसका हल्का सा मालिश कर लीजिएगा, उसके बाद गर्म पट्टी बांधिएगा। और गर्म पट्टी दिन भर बांधना है, रात में खोल देना है, और गर्म पट्टी को तेज़ी से नहीं बांधना है। ये क्या करेगा, हमारा जो पेन है और जो स्वेलिंग है ये कम करेगा। ठीक है, तो सी हो गया। अब आया ई, ई से हुआ एलिवरेशन। जब आप रात में सोइएगा तो अपने पैर के नीचे तकिया लगा रखिएगा, ठीक है, इससे हमारा स्वेलिंग कम होगा और वहाँ पर ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब उधर का ब्लड फ्लो आ जाएगा, इस टाइप का रहेगा तो इधर का ब्लड फ्लो अच्छे मात्रा में फ्लो हो पाएगा और यहाँ पर ब्लड नहीं जा पाएगा, मतलब थोड़ा डिक्रीज़ हो पाता है, तो इससे हमारा स्वेलिंग कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला टिप्स आपको फॉलो करना है 3 दिन तक। अब हमारा आया दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप क्या करना है, इन 2-3 दिनों के बाद आपको सरसों का तेल लेना है, ठीक है, और सरसों का तेल में आपको लेना है लहसुन, लहसुन को गर्म करके रख लेना है, और उसमें आप मिला सकते हैं एलोवेरा जेल, ठीक है, एलोवेरा जेल या फिर नेचुरल जो आपके पास एलोवेरा, उसको तोड़ के जो उसका रस निकलता है उसको उसमें घुस एक छोटे से कटोरी वगैरह में कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, धूप में चले जाना है। धूप में जाने के बाद उसको वहाँ पे मालिश कर लेना है, और जो भी काला पट्टी है आपके पास, कोई भी काला कपड़ा ले लेना है, उसके बाद उसको लपेट लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको सुने होंगे जो काला कपड़ा पहनता है उसको मतलब गर्मी ज़्यादा लगती है, सूरज का रोशनी उस पर ज़्यादा आकर्षित हो पाता है, तो वही होगा वहाँ पर भी। आप छत पे 20 से 30 मिनट 2 बार बैठना है दिन भर में, 20 से 25 मिनट तक। इससे क्या होगा, हमारे हड्डी को विटामिन D3 मिलेगा, तो हमारा हड्डी मजबूत होगा, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, मतलब बार बार पेन होता है, इसकी शिकायत है, तो लास्ट इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ, अगर इसको आप फॉलो कीजिएगा तो आपका सीन पेन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। देखिए 2-4% हमेशा रहता ही रहता है एथलीट को, हमेशा पैर में दर्द रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो बहुत बोलते हैं ना, बहुत जिससे चला नहीं जा रहा, दौड़ा नहीं जा रहा, तो वो पेन ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये 2 टिप्स आपको फॉलो करना है, पहला क्या राइस वाला सिस्टम, दूसरा हो गया आपको करना ये सरसों तेल और एलोवेरा को मिलाकर, अगर एलोवेरा नहीं है तो बस सरसों तेल और लहसुन को लपेट, मतलब लगा के समान चलिए इस सेन बोन है इसमें लगा लेना आपको, और इस पर काला पट्टा लपेट लेना है या फिर काला कपड़ा, और धूप में इसे 25 से 30 मिनट बैठना है, ठीक है। और ये चीज़ हो गया। दूसरा, तीसरा चीज़ है आपके पास, मैं एक ऑयल का आपको सजेशन दे रहा हूँ, वो है रुमालिया ऑयल। ये देख लीजिए कोई भी मेडिकल में आपको मिल जाएगा, ये 80 रुपये इसका दाम है। इसको आपको 3 टाइम मालिश करना है अच्छे से, ठीक है। और मालिश किस तरह से करना है आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए मालिश यहाँ पर ऑयल लगा लेना है, जैसे मान के चलिए मेरे पास सरसों तेल है, ठीक है, इस तरह से लगा लेना है, और तेल को जो इस साइड वाला हड्डी में जिनका पेन रहता है उसको यहाँ से नीचे डिक्रीज़ करना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे करते रहना है, उसके बाद पूरा अच्छे से मालिश कर लेना है, ठीक है। और ख़ास करके इस हड्डी में जिनका पेन रहता है, मतलब इस साइड जिनका पेन रहता है, उनको एकदम अच्छे से ऐसे दबा दबा के 3 टाइम मालिश करना है। और ये मालिश कब करना है, पहला 2-3 दिन आइसिंग करने के बाद 4th और 5वां दिन करना है। देखिए अगर आपका सीन पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो 4 से 5 दिन आपको रेस्ट करना ही करना पड़ेगा। तो ये 3 टिप्स हो गए। अब हमारे पास आया चौथा टिप्स। चौथा टिप्स में है कि आप कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, जो हमारा स्वेलिंग और पेन को ख़त्म करने में मदद करेगा। उनमें से 2 दवाई का मैं सजेशन दे रहा हूँ, एक है एस्पिरिन, ठीक है, दूसरा इबुप्रोफेन। ये इन दोनों को आप उपयोग कर सकते हैं, इन दोनों में से एक, ठीक है, एक सुबह एक शाम, इसको 3 दिन उपयोग कर सकते हैं, ये हमारा पेन को कम करेगा, ठीक है। ये 3 टिप्स 4 टिप्स हो गए। और हमारे जो लास्ट टिप्स है, इन 3 दिनों के बाद आपको करना है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग मैंने यूट्यूब पे देखा, वो बोलते हैं कि जैसे ही सीन पेन हो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। तो अगर मान के चलिए आपका हाथ टूटा हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए हाथ डिसलोकेट हो गया, टूट गया, तो अब अचानक से इसका आप स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते ना। जब तक ये ठीक नहीं होगा, ये जॉइंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसके बाद यहाँ पर न्यूट्रिशन वगैरह पहुँच के ये जॉइंट नहीं हो जाएगा, तब तक आप इसका तो कर नहीं सकते हैं। तो इसी तरह हमारा सीन पेन के साथ होता है, उसको 2 से 3 दिन तक प्रॉपर रेस्ट चाहिए, वो हमारा बॉडी खुद उसको एब्जॉर्व करके ठीक करने लगता है धीरे धीरे। 2 से 3 दिन रेस्ट करने के बाद आपको करना है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देखिए, ये रुमाल वाला, इस तरह से रुमाल को अपने आप अपने तरफ खींच लेना है, ठीक है, और 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। इसको करना है 10 से 12 बार, और इसका दिन भर में कम से कम 4 से 5 बार करना है, ठीक है। ये पहला एक्सरसाइज होगा। दूसरा एक्सरसाइज है हमारा ये, देखिए इस तरह से आपको बैठ जाना है, ठीक है, और पीछे इस तरह से उठाना है, इसमें पूरी तरह से स्ट्रेच होगा, ठीक है। इन दोनों एक्सरसाइज को करना है, और 4 से 5 दिन आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। जैसा कि बताया था कि लास्ट में आपको बताऊंगा, जिनका मतलब बार बार सीन पेन होता है तो उनके बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी हो जाती है
तो इसीलिए उनका सीन पेन बार बार दर्द देता है। थोड़ा थोड़ा भी एफर्ट लगाते हैं तो उनका सीन पेन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा कटोरी लेना पड़ेगा, देखिए इस टाइप का। इसमें कटोरी में दही ले लेना है और जो चूना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, चूना जो पान में खाया जाता है, हाँ, उसको एक चम्मच मिलाकर, एक चम्मच बोल रहा हूँ सॉरी, आधा चम्मच मिलाकर इसमें हर दिन खाना है, कम से कम 10 से 15 दिन खाना, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका इसमें दिक्कत नहीं होने लगा, ठीक है। और कैल्शियम तो आप ले लिया, विटामिन D3 लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन D3 क्या लेता है, क्या करता है, हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्ब करने में मदद करता है हमारे बॉडी में। तो विटामिन D3 आपको जैसे बताया आपको सनलाइट से मिल जाएगा, आप जो वो कर रहे हैं सरसों का तेल में काला पट्टा लपेट कर, ठीक है, उससे विटामिन D3 मिल जाएगा, इससे आपका कैल्शियम की कमी भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आज का यही वीडियो था, ये सब सारा टिप्स आपको फॉलो करना है, 3 से 4 दिन के आसपास आपको लग ही जाएगा। तो दोस्तों यही 4 से 5 ट्रीटमेंट था इस सीन पेन का। अगर इस चारों पांचों को आप बहुत अच्छे से फॉलो करते जिस तरह से मैंने बताया हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको देखने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप कमेंट कर जरूर बताइएगा अगर आपका सीन पेन ठीक हो गया तो, ठीक है। और इससे अच्छा उपाय कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा उपाय है बस डॉक्टर के पास जाइए, वो रेस्ट बोलेगा, वो भी सेम चीज़ दवा वगैरह खिलाएगा, रेस्ट बोलेगा, अगर कैल्शियम वगैरह कमी होगा कैल्शियम का दवा देगा, ठीक है। अगर आप रनिंग वगैरह करते हो तो इससे अच्छा वीडियो आपको पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा सीन पेन से रिलेटेड, ठीक है। बहुत ही रिसर्च कर और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है सीन पेन को लेकर वो बताया हूँ। देखिए खास करके जो लोग सिंथेटिक ट्रैक वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं उनका सीन पेन बहुत कम होता है। तो दोस्तों आपको यही सारा टिप्स फॉलो करना है, और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्त मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।